सलार सलार सलार, मतलब उसमें एक विलियन जो है वो डायलॉग बोलता है कि हमारे खून में वायलेंस है। तो इस फिल्म में 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, वायलेंस 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 ऐसा। और मासेस के लिए फिल्म है, कपोरी लोगों के लिए जिसकी ज़रूरत थी। KGF का अपग्रेडेड वर्जन है ये समझ जाओ। प्रशांत नील डायरेक्टर है, प्रभास को बहुत अच्छे अंदाज में दिखाया है, और फिर पृथ्वीराज, पृथ्वीराज का कुछ सेकंड हीरो है पृथ्वीराज। आपको कैसे लगी सर, क्या लगा KGF से ऊपर है या फिर? हाँ, KGF का ही टेक्सचर लेके चला है प्रशांत नील। प्रशांत नील इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, और जो हिसाब से उसने प्रभास को प्रेजेंट किया है तो मुझे तो पूरी फिल्म में प्रभास ही नज़र आया है ना, और प्रभास का परफॉर्मेंस भी फैंटास्टिक है। तो आउट ऑफ द मतलब वे जाके उसने परफॉर्म दिया है, और प्रशांत नील हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब एज अ राइटर डायरेक्टर। बहुत बढ़िया लगी फिल्म मुझे। कहा जा रहा है कि फिल्म कॉपी है किसी दूसरी फिल्म का, इस पे आप लोग क्या? कौन सी फिल्म का कॉपी है, KGF का या क्या? KGF एक और फिल्म? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक नया प्रेमाइस में लेके गया है ये फिल्म। में एक्चुअली स्क्रीन प्ले इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैनी डिफरेंट एरियाज आर देयर, लाइक हैदराबाद है, देन का ये आसाम है, देन फिर न्यूयॉर्क है, फिर एक छत्तीसगढ़, चार अलग अलग जगहों पे ये फिल्म चलती है। बेसिकली ये एक माँ और बेटे की कहानी है, एक ट्रैक है, दूसरा ट्रैक है दो दोस्तों की कहानी और तीसरा ट्रैक है वो सब जो कबीले वगैरह हैं जो सेकंड पार्ट में लेके आए हैं, इस तरह की कहानी है। और भाई ये प्रशांत नील का वो ठप्पा लगा हुआ है समझ जाओ। प्रशांत नील जैसे KGF में सब दिखा है ना, उस तरीके से वेरी वेल प्रेजेंटेड। वायलेंस है लेकिन बहुत अच्छी तरह से स्क्रीन प्ले लेके गए वैसे। अभी तो पार्ट टू आने वाला है, दिस वॉज पार्ट वन, सलार सीज़फायर पार्ट वन। तो मासेस के लिए बहुत अच्छी फिल्म है, ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा बिजनेस होगी फिल्म का। जिस तरह प्रभास की एक्टिंग कही आ रही है, क्या लगा कैसा? हाँ, प्रभास जो करना चाहिए, पहली बार हैट्रिक, फ्लॉप की हैट्रिक मारी है ये, अभी बाद में पहली हिट होगी उसकी, उसको इस तरह का ही रोल करना चाहिए। और आधे श्याम रोमांटिक जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, या बीच में एक दूसरी कौन सी की थी, साहो, साहो वॉज लाइक उसमें स्टोरी वगैरह करेक्ट नहीं था तो इसके लिए नहीं चली। और एक उसकी फिल्म थी वो भी नहीं चली, आदिपुरुष का कुछ अलग ही मैटर हो गया था। हाँ, तो ये राइट फिल्म है उसके लिए, ठीक है, गलती हो जाती है, बट ये ना करेक्ट ट्रैक। और प्रभास जो डिजर्व करता है वो पूरा है इसके अंदर। प्रभास को जो दिखाना था अपने आप को, तो प्रशांत नील इज़ द करेक्ट डायरेक्टर फॉर हिम, एंड प्रशांत नील के लिए ये भी परफेक्ट बैठा है प्रभास। मतलब KGF में जो यश के साथ उसने जो किया उससे बेटर इसमें इसने किया है डेफिनेटली। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ना यश को ना प्रभास को, सबकी अपनी अपनी जगह है, पर प्रशांत नील इज डन अ वेरी गुड जॉब विद दिस काइंड ऑफ स्कोप एंड स्क्रिप्ट जो है उसकी। इसमें एक्टर हैं पृथ्वीराज, मैंने कहा ना सेकंड ही इज लाइक सेकंड लीड, उसका दोस्त बना है। दो दोस्तों की कहानी है, पृथ्वीराज है और ये प्रभास है, माँ बेटी की कहानी है, दूसरी बेटी कबीले वगैरह हैं। क्या लगता है डंकी और इसमें दोनों के रिलेशन? हाँ, डंकी फैमिली के लिए फिल्म है, ये मासेस के लिए टपोरी लोगों के लिए फिल्म है। वो छपरी लोग होते हैं या फुकरे लोग रहते हैं, तो आजकल वो लोग ज़्यादा जा रहे हैं थिएटरों में, फैमिली कलम कम जा रही है इस तरह। वो शाहरुख खान है उसमें, दोनों फिल्में चलेंगी और राइट टाइम पे आ रही हैं, क्योंकि 15 दिन के लिए दोनों के पास टाइम है, छुट्टियाँ बहुत हैं, है ना। नहीं, इस मामले में बोलूँगा कि प्रभास की फिल्म जो है डंकी से बेटर है, तो सालार को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी तो थिएटर भी खुल गए सब, चार चार शो है हर जगह, तो देखने में आ रहा है कि भाई इसको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है सवेरे से। गाने, म्यूजिक कैसा है, बैकग्राउंड म्यूजिक इसके बारे में? म्यूजिक तो हाँ, एक मेन आपको बताना भूल गया कि जैसे KGF में था या जैसे अदर साउथ इंडियन की फिल्मों में हो रहा है, लाइट्स आर वेरी डार्क बहुत, और BGM वेरी लाउड, और उसमें क्या रहते हैं सेम मतलब बहुत सारा वायलेंस एक्शन सीन्स वो सब है। ओनली वायलेंस? हाँ डेफिनेटली, बट इन अ वेरी गुड वे, है ना। और दूसरा हमें एडिटिंग इज़ वेरी फैंटासी, फिल्म की एडिटिंग बहुत बढ़िया की है एडिटर ने, और प्रशांत नील का पूरा उसके ऊपर कंट्रोल है। म्यूजिक जो आप बोल रहे हैं, हाँ म्यूजिक जो बोल रहे हैं, तो म्यूजिक BGM तो लाउड है, बाकी सॉन्ग्स वगैरह एक अलग ही, जो KGF में भी इसकी एक टच था, जो टच था एक दो तीन सॉन्ग्स ऐसे थे वहाँ भी, देखो वहाँ पे उसने गोल्ड माइंस दिखाई थी,
यहाँ पे कोल माइंस है, कोयले की खदाने हैं। प्रेमाइज सेम है प्रशांत नील का, वो अलग था, साउथ में था, ये आपका आसाम में कहीं है, खानसर करके एक पूरा सिटी क्रिएट किया है। तो अपने अलग अलग कबीले हैं, अभी वो सेकंड पार्ट में उनकी फाइट्स दिखाई जाएंगी। ऐसा बॉक्स ऑफिस को लेकर क्या लगता है कि केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? केजीएफ का रिकॉर्ड तो टूटेगा ना, कितना था केजीएफ का रिकॉर्ड? फर्स्ट केजीएफ का क्या था रिकॉर्ड? अभी तो एडवांस 200 करोड़ के आसपास, केजीएफ फर्स्ट 200-225 करोड़ थी, वो रिकॉर्ड तो टूटेगा आराम से। केजीएफ टू का रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं वो बोल नहीं सकते, मेरे लिए तो 1000 करोड़ तो हो गई थी ना वो। बहुत अंतर होगा, डंकी 300 करोड़ तक जाएगी, ये भी अलबाउट 350 तक ही जाएगी, 300-400 जा सकती है। प्रभास की फिल्म तो ज़्यादा करेगी डेफिनेटली, अलाउड प्रभास, बहुत अच्छा किया उसने और रिस्पॉन्स भी अच्छा है। अभी 50% था आज क्राउड, क्योंकि सवेरे 11 बजे का शो था, तो डेफिनेटली अब खुलेगा, पब्लिक दिख रही है, धीरे धीरे आ रही है, तो रिस्पॉन्स अच्छा है प्रभास की फिल्म को, और डेफिनेटली प्रभास हैज डन अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, थैंक यू। क्या चैनल है? फिल्मी गली। फिल्मी गली में, फिल्मी गली को स्पॉन्सर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।